students, welcome to Statisticspedia. Now here we will continue the series of differential equation. हम differential equation लेंगे, higher order differential equation with constant coefficients. So students, हम सबसे पहले along with the questions के साथ साथ जो है हम जो different methods है, जो complementary function है, जो particular integral है, उसको revise करें जाएंगे. So let's start with that. सो स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स जैसे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहां पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट से e की पावर x है या कोई साइन 2x है, समथिंग लाइक दैट कोई फंक्शन है, तो दिस इज नोन एज एन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव विद अ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पे इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिक्यूलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिक्यूलर इंटीग्रल. तो सी एफ फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और पी आई जो होता है वो आपका जो भी गिवन फंक्शन है, चाहे एक्सपोनेंशियल है चाहे साइन है, तो उसके बेसिस पर हम पी आई को कैलकुलेट करते हैं. तो अभी हम डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, उसकी हेल्प से हम जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं सी एफ के उसको एक बार देखेंगे. क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए. सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है तो ये जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो आपका 0 होता है. तो सी एफ निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है. ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब अब ये जो डी होता है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे हम इस डी को एम से रिप्लेस करते हैं, तो ये एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं. इसमें हम इसको फैक्टराइज करते हैं और m के जो रूट्स है वो निकालते हैं. तो यहाँ पे जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देख रहे हैं आप m माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया. तो यहाँ पे m की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज इक्वल टू 1, 1. तो यहाँ पे जो केस बनेगा वो क्या है, रिपीटेड रूट्स. देखिए अलग अलग केस होते हैं, हो सकता है डिफरेंट रूट्स, रिपीटेड रूट्स, कई बार इमेजिनरी रूट्स भी आ जाती है, तो सबके अलग अलग सी एफ होते हैं. सो जब स्टूडेंट्स रिपीटेड रूट्स होता है ना, तो देखिए दो वैल्यूज हैं तो दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो हमारा जो सी एफ जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स हैं, दो रूट्स आ रही हैं. e की पावर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स. तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया. अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ. सपोज अगर आपके पास कोई वैल्यू इस तरह से आ रही है, 2, 2 आ रही है रिपीटेड रूट्स में, और अगर आपको इसका सी एफ लिखना है तो दो वैल्यूज है तो दो कॉन्स्टेंट्स, तो सी वन प्लस सी टू एक्स, ई की पावर अब कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2, तो ये 2x हो गया. अब यहाँ पे सपोज अगर आपके पास कोई -1, -1 और -1 तीन वैल्यूज है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तीन वैल्यूज हैं तो तीन कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो कैसे लिखोगे, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, फिर e की पावर कौन सी वैल्यू आ रही है, -1, तो -1 इंटू एक्स. तो इस तरह से हम रिपीटेड रूट्स का जो है वो सी एफ लिखते हैं. तो यहां से आपको ये प्रैक्टिस भी हो गया कि अगर तीन बार हो रहा है, दो बार हो रहा है ना, तो किस तरह से हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को. तो यहाँ पे क्योंकि दो बार हो रहा था तो हमारा जो सी एफ होगा वो ये होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस. अब यहाँ पे फोर्थ रूट में आ गया और आपको सी एफ पूछा है, तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे. जब भी सी एफ का क्वेश्चन होगा यूजली राइट हैंड साइड आपका जो फंक्शन होगा वो जीरो होगा. ये फंक्शन जो है स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने में करते हैं, और फिर हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन आता है सी एफ प्लस पी आई. सो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे यहां वाले क्वेश्चन में आपको डी के फॉर्म में एक्सप्रेस था, डी मतलब होता है डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको डेरिवेटिव में डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी फोर प्लस 2d³ - 3d² y इज इक्वल्स टू 0. अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो गया आपका m² + 2m³ - 3m² इज इक्वल्स टू 0. कॉमन मिल रहा है तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए. यहाँ पे कितनी रूट्स आएंगी, चार रूट्स आएंगी, क्योंकि फोर्थ रूट की यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास 3 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया और एक आपके पास हो गया एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर 0 है तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, दैट इज 0, 0, और यहाँ पे जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा m प्लस 3 और m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट्स का नेचर कैसा है, डिस्टिंक्ट है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रूट्स का नेचर कैसा है, रिपीटेड है। तो जब आप सी एफ लिखेंगे तो सी एफ कैसे लिखेंगे, जैसे सी वन ई के पावर एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस 3x, तो ये कौन सी रूट्स है, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपकी इक्वेशन में 4 है तो 4 वैल्यूज आ रही है तो 4 कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स का हमने सी एफ लिख दिया। रिपीटेड रूट्स का हमने कैसे देखा था, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहे हैं, ई की पावर 0x, तो ई की पावर 0x 1 हो गया, तो आपके पास जो फॉर्म आएगा वो क्या आ गया, सी वन ई की पावर एक्स, सी टू ई की पावर माइनस 3x प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स हो गया। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार ऐसे हो सकता है कि आप रिपीटेड रूट्स का पहले लिख दें, तो कैसे लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर 0x 1 होता है, सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस 3x, तो ये भी सेम ही है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स का पहले लिख दिया और बाद में रिपीटेड रूट्स का लिख दिया, तो क्वेश्चन में आंसर में जो भी फॉर्म है उस अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपके पास सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस 3x, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। तो यहाँ पे पहले रिपीटेड रूट्स का लिख दिया और बाद में डिस्टिंक्ट रूट्स का, तो कैसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है, तो कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व्स y इज इक्वल्स टू दिस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब ये जो है ये आपके आरयू एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन आपको बहुत डिफरेंट वे से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और यहाँ पे आप ये सोल्यूशन निकालते थे, ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करिए, अब आपको सोल्यूशन दिया हुआ है और आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करिए, यहाँ पे ये जहां आप सी वन सी टू लिखते थे वहां पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स आ गए, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो अभी आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर अगर हमारी जो रूट्स थी वो डिस्टिंक्ट रूट्स थी तब हम इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, राइट। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इक्वेशन है उसकी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी और वो रूट्स आपकी क्या होंगी, प्लस 2 और माइनस 2। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमें करना है कि जहां पे हम इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो बेस्ट वे क्या है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे ऑप्शंस पे जाकर और फिर सर्च आउट करें। जैसे सबसे पहले आपका ऑप्शन ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। से लिखा माइनस 2 वाई इधर लिया है हम, और डी क्या होता है आपका डी बाय डी एक्स। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपके पास एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है और एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 और माइनस 2 है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो आप ऑप्शन में से देख सकते हैं 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो रूट्स है वो 2 है और माइनस 2 है। अब इस पर आइए, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो m आ रहा है आपका प्लस माइनस 2, है ना। तो ये आपकी रूट्स डिस्टिंक्ट आ रही है। अब जैसे अगर हम इसका सी एफ लिखते तो कैसे लिखते, सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर माइनस 2x, देखिए यही सी एफ आ रहा है आपका। ये जो क्वेश्चन है अब सोल्यूशन आपको दे दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वैसे तो हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि इसके दो फैक्टर्स होंगे 2 और माइनस 2, तो वो आप इक्वेशन में से देख सकते हैं वो फैक्टर्स कब बनेंगे, जैसे 4 होगा तभी बनेंगे, 2, 3 और 6 में भी नहीं बन पाएंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में निकाल के और फिर हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। सो इसीलिए इससे हमें समझ में आ गया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिक्यूलर इंटीग्रल ऑफ दिस,
नाउ आई टोल्ड यू पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो सी एफ और पी आई से बनता है, और जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो आपको ये फंक्शन दिया होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर 5x, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो पी आई फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसको डी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू ई की पावर 5x। अब आपको जो पी आई निकालना होता है तो ये होता है 1 अपॉन ये जो भी आपने एक्सप्रेस किया है, इसको आप यहां लिख दीजिए ई की पावर 5x। अब यहां पे ये जो कांस्टेंट है इसको आप डी की प्लेस पे एक बार पुट करके देखें, तो जब आप पुट करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ये फंक्शन एज इट इज लिखना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं 25 माइनस 15 तो ये आ गया 12 ई की पावर 5x पूरा 10 प्लस 2 12 आ गया। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रही है तब तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है उसको रख कर देख लेते हैं और यही हमारा पी आई हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड केस है वो अभी हम आगे क्वेश्चंस पे देखेंगे कि अगर ये जो वैल्यू है अगर ये जीरो आ रही है वैल्यू पुट करने पे तो कैसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सो हियर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ई की पावर 5x बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको अगेन पी आई निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको ये जो कॉन्स्टेंट है अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सबसे पहले हम डी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अभी जो आपका कॉन्स्टेंट है वो 3/2 है, तो रखकर देखेंगे कि जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा। आप सबसे पहले इसको डी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो 1/ हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में पी आई निकालना है, तो ये हो गया आपका 2d स्क्वायर माइनस डी माइनस 3। 5 अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 5 और ये हो गया आपका e की पावर 3/2 इंटू x। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है 3/2 इसको d की प्लेस पे रख के देखना है, तो ये हो गया आपका 9/4 माइनस ये हो गया आपका 3/2 माइनस के अंदर 3 हो गया ये। सो ये आपके पास हो गया 5 इंटू 9/2 माइनस, जब आप ये एलसीएम लेंगे तो ये आ रहा है 9/2, तो ये फंक्शन आ रहा है 0। सो आई टोल्ड यू दो मेथड्स होते हैं, अगर वैल्यू रखने पे 0 नहीं आ रहा है तो वो आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ वैल्यू रखने पे आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेथड आपको क्या फॉलो करना है, आपको इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। वन टाइम जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4d माइनस 1 इंटू ये फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अभी आप रखकर देखिए एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर r इंटू r फैक्टोरियल e की पावर ax, ये फॉर्मूला होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। सो यहाँ देखिएगा अब आपके पास ये x रहा, अब आप वापस से इस कॉन्स्टेंट को रखिए दैट इज 3/2 माइनस 1 और ये e की पावर 3x/2 एज इट इज चल रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आपका जो हो गया वो आंसर हो गया, ठीक है। तो सम टाइम स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू जितनी बार डिफरेंट, अगर सपोज यहाँ पे फिर 0 होता तो हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करते और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हो जाता और फिर हम वैल्यू रखते, तो इस तरह से आपका ये जो है वो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया एंड हियर द आंसर विल बी एक्स ई की पावर 3x/2। This will be the answer for this question. Next question देखिए students, the complete solution of this differential equation be what? तो अभी आपको इस differential equation में complete solution निकालना है, ये आपकी higher order derivative है क्योंकि इसके coefficients जो है वो constant है। तो अभी आपको सबसे पहले CF plus PI दोनों निकालना होगा, तो अभी हम CF निकालेंगे उसके बाद हम PI देखेंगे। तो सबसे पहले students आपको यहाँ पर इसके d square plus 4y CF निकालने के लिए हम ये जो फंक्शन है वो जीरो हो जाता है आपका ये वाला फंक्शन, इसको जीरो लेके चलते हैं। फिर हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 2 आयोटा दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रही हैं। तो अभी हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए कि अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है और कॉम्प्लेक्स है तो कैसा होता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाता है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x e की पावर 0x। अभी मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बताती हूँ, देखिए
इसका जनरल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है इसीलिए हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये क्या होता है आपका सी एफ क्या हो जाता है, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन कॉस के साथ आता है, ई की पावर ये जो रियल पार्ट है ये ई एक्सपोनेंशियल के साथ में आता है। सो स्टूडेंट्स पी आई निकालने के लिए वन अपॉन एफ टी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एंड दिस इज अ फंक्शन, तो आप यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे अलग से हो जाएगा और 1 बाय डी स्क्वायर बाय 4, तो अभी आप देख रहे हैं अभी आपके पास एक नया फंक्शन आ गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ x, तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू रखें और देखें कि ये जीरो हो रहा है या नहीं, तो वैसे ही देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ पर एक बात समझे, जब भी आपका फंक्शन x की फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, मतलब यहाँ पे 1 आना जरूरी है। तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर आप इस 4 को बाहर निकाल लीजिए तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 और ये हो गया आपका x। ये फंक्शन आपका एज इट इज चल रहा है 1 बाय 4, इसको ऊपर ले आइए तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स, तो आई टोल्ड यू कि जनरली यही फॉर्म बनता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो अभी आप देख रहे हैं ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आगे हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास x है, x को d मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, d मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएट करना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा, अगर x को मैं वन टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगी तो 1 मिलेगा और दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पे दो बार है तो इसका मतलब आगे की सारी टर्म 0 होगी और आपका आंसर ये आ जाएगा। ये हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आगे हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही ना पड़े और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें आंसर समझ में आ रहा है। तो ये आपका पी आई आ गया। सो अब आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने निकाल लिया था दैट इज इक्वल्स टू आपने निकाल लिया था सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन सी एक्स और पी आई जो है वो आपके पास हो गया ई माइनस टू एक्स का 8 प्लस एक्स बाय 4 विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। So thus answer for this question will be this. Next question dekhiye students. If yx is equals to this is a solution of this equation satisfying this then what will be the value of y dash 0? तो यहाँ मैंने थोड़े से different और थोड़े से high level के questions भी लिए because university जो है वो अपना pattern और level दोनों change करता है हर साल, that's why. आप क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो सोल्यूशन का फॉर्म है वो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि वो y0 इक्वल्स टू 1 को सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको y डैश 0 की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो अभी हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि आपका फंक्शन जीरो है तो ये जो है वो सी एफ होगा, तो एक बार सी एफ निकालेंगे सो दैट ये जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 वाई इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 4 एंड 2 और जब आप इसका सी एफ लिखेंगे तो क्योंकि आपकी रूट्स का नेचर डिस्टिंक्ट है तो सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर आपके पास आ जाएगा 4x। अब क्वेश्चन में आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है तो सोल्यूशन आप लिख लीजिए, वो सोल्यूशन है लैम्डा ई 2x प्लस 2e बीटा x, ये आपको सोल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आ रही है ये बीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 4 राइट, सी टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही है आपकी 2 और सी वन की वैल्यू आ रही है आपकी लैम्डा। What we will do is ये question वाला solution आपको given है, मतलब ये yx given है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए plus 2e की power, beta आपने निकाला है 4 तो इसको 4x रख दीजिए। अब आगे study करेंगे students, question में y0 की value 1 दिया हुआ है तो अभी हम यहाँ पर इसका x की place पे एक बार 0 रख देते हैं, तो जब आप 0 रखेंगे तो lambda आएगा और plus आपके पास
टू आएगा राइट। एंड वाई जीरो क्वेश्चन में आपको वन गिवन है तो यहाँ पर आप वन रख दीजिए तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस वन आ गया। अब यहाँ पे आपको वाई डैश जीरो की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी हैव वाई डैश एक्स तो ये हो गया टू लैम्डा ई दिस थिंग प्लस फोर ई की पावर फोर एक्स। वाई डैश जीरो आपको रखना है तो x की जगह जीरो रखोगे तो ये वन हो गया आपका और ये वन हो गया। लैम्डा आपका था माइनस वन तो यहाँ पे जब आप माइनस वन रखेंगे तो ये हो गया माइनस टू प्लस फोर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया ना तो ये आपके पास एट हो जाएगा बिकॉज ये टू पहले से ही था तो ये आपका एट हो जाएगा। सो ये आपका एट हो गया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सिक्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि समटाइम्स जैसे इनिशियल कंडीशन देते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं ठीक है। इस टाइप से आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं तो कैसे आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करके और इनिशियल वैल्यू कंडीशंस पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन विल बी व्हाट। अब यहाँ पे जो सारे फंक्शंस हैं वो एक्स के फॉर्म में है तो अभी हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को 1 बाय डी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और ये आपका जो है वो गिवन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो यहाँ से आपको जो है वो डी कॉमन लिख रहा है तो यहाँ पे आप डी को कॉमन ले लीजिए बिकॉज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जब भी एक्स का फंक्शन होता है तो 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर जैसे ये 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है ये बनाना जरूरी होता है। 1 बाय डी को एज इट इज रखिए, इसको अभी आप ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 हो गया और अभी आपका जो फंक्शन है वो आपने एज इट इज लिख दिया। अभी इसको एज इट इज लिखिए, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। सो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस डी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस टू प्लस डी स्क्वायर, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास टू आ जाएगा, रेस्ट सारे जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। सो अभी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस टू एन प्लस टू तो ये जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। अब अगर स्टूडेंट्स डी मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है तो 1 बाय डी जो होता है इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर और फोर को तो ये हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री और 4 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी x क्यूब बाय 3 प्लस 4x, x क्यूब बाय 3 प्लस 4x विल बी द आंसर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अब यहाँ थोड़ा सा जो फंक्शन का फॉर्म है वो डिफरेंट है तो जो रूल लगेगा वो भी अलग लगेगा। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसको 1 बाय डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए तो ये डी स्क्वायर हो गया माइनस 2d हो गया और ये आपका जो है वो फंक्शन हो गया e की पावर दिस इंटू साइन एक्स। अब ऑलवेज रिमेम्बर अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ रख के इसको अलग करते हैं, जैसे ये पहले अलग हो जाएगा फिर 1 अपॉन इसके कांस्टेंट की वैल्यू d है तो d में आप क्या कर दोगे d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 2 ठीक है, ये रूल होता है और फिर हम इसको साइन एक्स से ऑपरेट करेंगे। तो ये कब होता है जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई और फंक्शन है तो ये जो भी कांस्टेंट है 2 है 1 है माइनस 1 है इसको आप डी के साथ ऑपरेट कर दीजिए ऐड कर दीजिए और इस फंक्शन को अलग कर दीजिए तो अब ई टू एक्स अलग हो गया और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस वी हैव 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 इसको आपको साइन एक्स के साथ ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और रूल समझ लीजिए कि जब भी साइन के साथ आता है जैसे 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स ये ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमें पुट करना है माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स ठीक है, बट स्क्वायर होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर 1 है और क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस में हम इस वाले रूल को अप्लाई करते हैं तो डी स्क्वायर की जगह आप रख दोगे माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 डी
इंटू साइन एक्स, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डी स्क्वायर की प्लेस पे कांस्टेंट रख सकते हैं। तो अगर ये डी आ गया तो अभी इसको डी स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2d+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4d² - 1। अभी वापस से आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाले रूल को, जो अभी आपने ऊपर देखा था। तो डी स्क्वायर की जगह पे आप यहाँ पे रख देंगे -1² - 1 इंटू ये हो गया आपका साइन एक्स, तो ये हो गया e2x - 5 2d sin x + sin x, ठीक है। अब आपको पता है कि d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, प्लस आपके पास हो गया sin x, e - 2x 2 cos x + sin x विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट। सो अभी आपका CF का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपनी इक्वेशन, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन को देखेंगे कि इक्वेशन का नेचर कैसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की। ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे x अगर dy/dx है तो उसको आप लिख देते हैं, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है d2y/dx² है तो वो हो जाता है d into d-1, अगर एक्स क्यूब होता है तो d d-1 into d-2, इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ये तो आप जीरो मानेंगे, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, d d-1 + d-1 y = 0। अब आप इस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -d + d-1 y = 0। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि होमोजीनियस इक्वेशन में हम z को क्या लेट करते हैं, log x लेट करते हैं, z को आप log x लेट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, e^z। तो अभी देखिए आप सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो m की जो रूट्स आ रही हैं वो आएंगी +-1, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा c1e^z + c2e^-z। ध्यान रखिएगा z में लिखना है क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसको x पे एक्सप्रेस कर दीजिए, तो e^z को आप x लिख सकते हैं और e^-z को आप x^-1 लिख सकते हैं, तो c1x + c2/x इसका, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो c1x + c2/x विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये आपको तभी आएगा स्टूडेंट्स जब आपके पास, जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट होते तो हम CF निकालते, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पे z को log x लेते हैं, और वहां लिखने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर x/dy/dx को d लिखेंगे, अगर x स्क्वायर है तो d into d-1, अगर x क्यूब है तो d into d-1 into d-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप इसका CF निकाल लीजिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d into d-1, इसको आप लिख सकते हैं d-1y = 0, क्योंकि आप CF निकाल रहे हैं, दैट्स वाई, और z = log x हम लेट करते हैं होमोजीनियस के अंदर, तो ये हो गया आपके पास d²-1, -d + d कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m²-1, तो m = ±1, तो y = c1। ध्यान रखिएगा आपका आंसर जो है वो z में आएगा, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो c1e^z + c2e^-z, तो x आपके पास होता है e^z, तो ये हो गया c1x + c2/x। अब अगर आप pi निकालेंगे तो 1/, ये हो गया d²-1। अब क्वेश्चन में x² गिवन है तो आपको इसको z की टर्म्स में लिखना है,
तो x आपका ये था, तो ये हो जाएगा e की पावर 2z। सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट यहाँ डाल के देखेंगे कि जीरो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 4, ये आपके पास हो जाएगा 4 - 1 e की पावर 2z, जीरो नहीं हो रहा है, तो आपके पास ये हो गया। अब आप इसको x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो आपके पास e की पावर जेड एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 3। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो होगा आपके पास सी एफ प्लस पी आई, तो ये हो गया सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर अमंग द 4 ऑप्शंस दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नाउ अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स नहीं है, आपको सी एफ निकालना है, तो यही बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पी वाई क्यू के। सो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसको डी डी माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस डी माइनस वन वाई इक्वल्स टू ये हो गया आपका जीरो। तो बेसिकली ये जो है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हर तीनों क्वेश्चन में हमारा जो सी एफ था वो यही आ रहा था और एम आपका प्लस माइनस वन आ रहा था। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये जो तीनों क्वेश्चन हमने लास्ट में किए, ये आपके एग्जाम पेपर के क्वेश्चन हैं, पी वाई क्यूज हैं, और प्रीवियस वाले भी जो क्वेश्चन थे उसमें से कुछ क्वेश्चन पी वाई क्यूज थे। सो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो सो स्टूडेंट्स आज जो है हमने डिफरेंशियल हायर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस होमोजीनियस के देखे हैं जो आपके आरयू एग्जाम में आए हुए हैं। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस हम देखेंगे और हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। सो बने रहिए, कनेक्टेड रहिए चैनल से, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।